हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले कॉन्फ्रेंस सेटिंग्स के बारे में। जो कोई भी स्मार्टफोन हो, मैं भी आज सैमसंग की बात कर रहा हूँ, तो सैमसंग गैलेक्सी के M10 से लेके यस के सीरीज़ तक जितने भी स्मार्टफोन है, उनमें हम वाईफाई कॉलिंग के फीचर्स को किस तरह से, या फिर जो भी रेगुलर कॉल्स है उसके कॉन्फ्रेंसिंग फीचर्स को, जैसे कि मेरे पास दो वाईफाई की कॉलिंग चल रही है और मैं चाहता हूँ कि तीसरे पर्सन को मैं कॉन्फ्रेंस में लूँ, या फिर जो टेलीफोनिक कॉल चल रही है, आइडिया एयरटेल से कॉल कर रहा हूँ तो कॉन्फ्रेंस में लूँ, तो उनमें कभी कभी एरर्स आते हैं, उनमें कभी कभी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, या फिर किस रीज़न की वजह से हम वाईफाई कॉलिंग कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट चीज़ गाइस यहाँ पे, कि अगर आपको मोबाइल फ़ोन्स पे ये फीचर्स ऑन करना है, जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर आपका आइडिया का फ़ोन हो, आइडिया का सिम कार्ड हो, आइडिया के सिम कार्ड पे आपको अगर ये कॉन्फ्रेंसिंग सेटिंग्स ऑन करनी है, तो आइडिया के थ्रू आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कभी कभी, क्योंकि आइडिया का एक बेसिक फीचर है, सर्विस प्रोवाइडर ISP जो होता है उनका एक बेसिक फीचर्स है कि वो जो कॉन्फ्रेंस कॉलिंग है उनके फीचर्स को ऑफ करके रखते हैं। बहुत बार होता है कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरा कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है, और बाकी के लोग डिवाइसेस में चेक करते हैं भाई कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, लेकिन प्रॉब्लम्स होता है आइडिया की तरफ से। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ये चीज़ें इनेबल्ड होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपके फ़ोन में ही कॉन्फ्रेंसिंग का फीचर्स होना बहुत मैंडेटरी है। अगर सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू इनेबल्ड है और फ़ोन में नहीं है, तब भी जाके नहीं होगा, तो दो